अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बहुत मज़े का मज़ेदार होने वाला है और आपको देखकर भी बहुत अच्छा लगेगा। और आज जो है वो मैं आपसे जो है ख़ास अपने लोगों से मिलवाऊंगी और जो मेरी ज़िंदगी है और मेरे जो हैं वो दिल के बहुत करीब हैं। और बस दुआ है कि अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे उनको और हमेशा मेरी मोटिवेशन रहे हैं और मुझे दुआएं देते रहे हैं। तो बस मैं चाहती हूँ कि हमेशा वो जो है वो मुझे हमेशा दुआओं में याद रखें, मुझे हर 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 मेरी कामयाबी के पीछे मेरा हाथ इन लोगों का ही है। और मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखिएगा कि मैं किससे मिलवाने जा रही हूँ। इसके लिए आपको जो है वो मेरा पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा देखकर और बहुत खुशी भी होगी। तो चल के देखते हैं, ब्लॉग देखते हैं फिर इंशाल्लाह। ये प्रोग्राम था, सवाल तो होगा, उसमें एक्सपो में जो डेल्फा कैटल शो था उसमें मेरा इंटरव्यू लिया गया था। बहुत अच्छा, बच्चे के बहुत खुश हुए हुए हैं उनको देखकर। ऐसे जो है वो कैटल फॉर्म्स, ऐसे एग्जीबिशन बच्चों के लिए बहुत इंजॉयमेंट के लिए होती है और ये होनी चाहिए यहाँ पर पाकिस्तान में, तो बिल्कुल होनी चाहिए और यहाँ तोड़ तोड़ के बाहर आने चाहिए। ये तो बहुत टाइम के बाद लगाया है लेकिन ऐसे जो है, और वैसे भी छुट्टियाँ होंगी बच्चों की विंटर वेकेशन, तो वैसे ही जो है बच्चे बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जी अब देखते हैं कि इंशाल्लाह जो है वो चिकन गल गई होगी। तो यहाँ देखते हैं चिकन गल गई है और यहाँ पे मैंने अंडे जो है वो बॉईल करने रख दिए हैं इसमें डालने के लिए। हाँ जी, चिकन जो है वो बिल्कुल डन हो चुकी है, बिल्कुल हलवा हो गई है। इसको निकाल के और इसका जो है वो रेशा करेंगे और इसमें जो फिर हम जो जो ऐड करेंगे फिर वो आपको दिखाएंगे। नहीं, यहाँ पर जो है वो यखनी में उबाल आ रहा है, बॉयल आ रहा है, तो इसमें जो है हम ऐड करेंगे। यहाँ पे ये मैंने चिकन के रेशे कर लिए थे, ये काली मिर्च है, नमक है और ये चिकन पाउडर है। अगर इंस्टेंट आपके पास चिकन यखनी पाउडर है तो वो भी ऐड कर सकते हैं और अगर चिकन क्यूब्स है वो ऐड कर लें, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। बाकी यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर निकाल दिया तो गलती से, तो यहाँ पे ये पानी में जो है कॉर्नफ्लोर डिप करके रखा हुआ है और ये अंडा जो है ये इसी तरह इसमें डालेंगे ताकि टेक्स्चर अच्छा है। फिर उसके बाद जो है इसमें चिल्ली सॉस, विनीगर चिल्ली सॉस और ये सोया सॉस, ये थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे ताकि टेस्ट अच्छा है। तो आपके सामने जो है वो मैं ये ऐड करती हूँ, मैं लगाती हूँ उसके अंदर स्टैंड पे, फिर आपको दिखाती हूँ। ये ऐड करते हैं इसमें ये सब चीज़ें, ये चिकन जाएगी साथ में, सारे मसाले जाएंगे, विनीगर जाएगा, सोया सॉस और ये चिली सॉस। इसको खूब पकाएंगे अच्छी तरीके से और साथ में जो है ये अंडा डालेंगे, ये ऐसे ऐसे डालेंगे ताकि इसका टेक्सचर जो है अच्छा अच्छा जबरदस्त आएगा, बिल्कुल बाजार जैसा। ये देखिए, वाह माशाल्लाह। और इसको गाढ़ा करने के लिए जो है ये कॉर्नफ्लावर जो है ये डालेंगे, तो जी यहाँ पर जो है वो सूप रेडी हो चुका है और अच्छी तरीके से पक रहा है और जितना अच्छा पकेगा उतना मज़ेदार होगा। मैंने जो है कॉर्नफ्लोर ज़्यादा ऐड नहीं किया, मुझे पसंद नहीं है और थोड़ी देर के बाद वैसे भी ये जो है वो गाढ़ा होने लगेगा और इसमें जो है वो बॉयल
एग जो है वो उसको काट के रख दिए हैं, ऊपर से जब हम सर्व कर रहे होंगे तो उसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि जो है ये बिल्कुल भी मैश ना हो उसके अंदर और मजे के भी लगे। तो ये अब हल्की आंच पे बिल्कुल रख देंगे और वैसे ये पीने के लिए रेडी है। तो फिर आपको जब पियेंगे तो फिर इंशाल्लाह फिर आपको दिखाएंगे। आई होप आपको जो है वो ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, आपको जो है वो अपने ब्लॉग में खुश आमदीद कहती हूँ। आज जो है वो ज़रा थोड़ी मेरी अम्मी की तबीयत सही नहीं थी तो मैंने सोचा कि अम्मी से मिलकर आएँ, और साथ साथ जो है सर्दी भी बहुत है तो जो है उनको सूप जो है वो पिलाकर आए अपने हाथों से, जो मैंने आपको बना दिखाया था बना के प्रीवियस व्लॉग में। तो उसमें जो है वो बड़ा देखते हैं पी करके कैसा सूप बना है। और बच्चे और अम्मी से मिलने आए हैं, अम्मी की तबीयत सही नहीं है, वो नज़ला खांसी चल रहा है, तो ये अम्मी सबको सर्व कर रही हैं। और ये बच्चे ये रहे नानों की तबीयत देखने आए हैं अपनी। बस आप देखिए तो जी ये जो है वो सूप जो है वो देना नानों ने स्टार्ट कर दिया है। अब खा के बताए पीकर बताएंगे कि कैसा बना है। आई होप के अच्छा बना हो तो इंशाल्लाह। इतनी सर्दी बहुत हुई हुई है यहाँ पर कराची में, कुछ ज़्यादा ही सर्दी इस दफ़ा पड़ गई है, मज़े की सर्दी है, इंजॉय भी कर रहे हैं सर्दी को। और बस ये दुआ भी है कि अल्लाह मियाँ जो है वो तंदुरुस्ती सेहत दे, कोई बीमारी ना लगे, कोई नज़ला खांसी ना लगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र एहसान है, बड़ी एहतियात करती हूँ मैं अपने बच्चों की, तो अब तक जो है वो बीमार नहीं हुए, बस हल्का फुल्का नज़ला वगैरह हुआ था लेकिन अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। तो ये खाते हैं जा भाई, खाओ जल्दी से, वो बताओ मुझे कैसे बनाए। पियो पियो, हाँ जल्दी से पियो भाई, खाना भी है उसमें, चिकन भी है और गर्म हो रहा है। हाँ हाँ बताइए आप आयान के कैसा बना है, ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा, सबसे लूंगी मैं, सही है, ऑनेस्ट रिव्यू। मजे का है, जायका है। अम्मी आप बताएं। बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा, वेरी नाइस। अरे वाह भाई, अम्मी ने पास कर दिया तो समझ हो गया, क्योंकि मेरी अम्मी जो है वो बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, और जब अम्मी ने कह दिया तो ऑब्वियसली अच्छा होगा। और अब जो है वो शायान से पूछते हैं और रियान से, भाई कैसा बना है। अच्छा बना है अम्मा। अच्छा ही है। अच्छा सही है, चलो सही है, ज्यादा लग रहा है लेकिन अच्छा। अच्छा ओके सही है भाई। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। मेरा बेटा आया मेरे लिए, मेरे लिए सूप लेकर आया, माशाल्लाह बहुत अच्छा। और ठंड इतनी हो रही है, क्या बताएं, बस सूप पीने का ठंड में मजा ही और है, मजा ही और है। देखो मैं बिस्तर पे बैठा हुआ और सूप पी रहा हूँ। और आप पीकर बताएं कि कैसा बना है। मिर्चे विर्चे तो नहीं लग रही भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, सही बताइए ना, पक्का बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसी तरह के से हो रहे हैं। और भाई कोई बुरी लगा हो तो माफ करते हैं। माशाल्लाह आप लोगों के मैं वीडियो देखता हूँ, सब है बहुत अच्छे हैं, और मेरी वीडियो माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है। इसको सब्सक्राइब करा करें, लाइक करा करें, आगे बढ़ाएं, आगे और आगे बढ़े और YouTube फैमिली बने, YouTube की फैमिली बने आपके साथ, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी रहेगी। आप चले, आप एंजॉय करें अपना सूप, और फिर मैं भी जाके पीती हूँ, अभी मैंने पिया नहीं है तो फिर मैं भी पीती हूँ। बाकी जो है अब्बू से गाय बगाय आपको मिलवाती रहूंगी, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे ये, इनके गांव की बूढ़े वाला की बातें बड़ी सुनूंगी मैं इनसे, और आपको भी सुनवाऊंगी, क्योंकि अब्बू जो है अपने पंजाब को बड़ा याद करते हैं। कभी किसी दिन जो है इंशाल्लाह अब्बू से एक पूरा व्लॉग अब्बू के नाम का होगा कि अब्बू सारी बातें जो है ना उसमें करेंगे, और आप लोग भी मजे मजे से सुनिएगा मेरे अब्बू की बातें, और मेरे अब्बू को दुआओं में जरूर याद रखिएगा, और अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे मेरे। और ये मेरा छोटा नवासा है, प्यारा प्यारा शरारती सा, नहीं कोई शरारती नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और पढ़ाई में बहुत माशाल्लाह अच्छा जा रहा है, और सब
प्यार करते हैं इसको। चले चले फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा मेरे अम्मी अब्बू को। अल्लाह पाक मेरे अम्मी अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती दे। और आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।